बिस्मिल सौदरी वयसरलीसानी अल्लाम वरम वक्त इमरान खान से शिकर्स का इतना खौफ है कि एक खास पुरफजा मकाम पर मुलाकातें करता फिर रहा है मामला तय करता फिर रहा है एक एक चीज को तय किया जा रहा है कि कैसे चलाना है और आपको बताता हूँ कि कैसे ये सब नाकाम होगा और किस तरह से अवाम भी जीत चुकी है इमरान खान भी जीत चुका है लेकिन अदालतों से जिस तरह इमरान खान को रोकने की कोशिशें जारी हैं हालांकि ये बेसूद कोशिशें हैं अवाम फैसला कर चुके हैं लेकिन आपको ये पहले बताना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ है इमरान खान की वकला टीम के जो मेम्बर हैं नई मैदर पंजोता उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ वो लिखते हैं तोशा खाना और अलकादी ट्रस्ट केस में नैब जोरों शोर से आके कहता है कि हम इमरान खान की दरख्वास्तों की मुखालफत करेंगे जब हमारी तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ की तो मुखालफत नहीं करते तो आगे से चुप आज एक जस्टिस साहब ने और उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि कहा गया कि जिस बेंच ने पहले वाली जमानते बहाल की थी वही अब इस केस को भी सुन ले हमने कहा कल के लिए रख लिया जाए लेकिन अदालत ने बताया कि बेंच छह तारीख के बाद मुयसर होगा हमने गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म मांगा वो भी नहीं दिया गया समात मुलतवी तो इमरान खान की जो नैब के मामलों में जमानतें खारिज हुई थी उनको बहाल करने के बजाय अब क्या दिया गया है कि छः नवंबर तक तो बेंच ही नहीं मौजूद होगा और इस दौरान किसी किस्म का स्टे नहीं दिया गया दूसरी तरफ इमरान खान की जो जमानत की दरख्वास्तम की दरख्वास्त जो सारी दरख्वास्तें उस पर फैसले महफूज हुए हुए हैं और उस पर बैठ के आमिर फारूक साहब अंडे दे रहे हैं इनको लगता है कि इस तरह की टैक्टिक्स से इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचेगा तो नादिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लें मैंने तीन बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं और ये मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं क्योंकि आगे का सारा जो मरला आना है आपके हाथ में है पाकिस्तान के साथ क्या होना है ये तकदीर आप खुद लिखेंगे इमरान खान के साथ क्या होना है इमरान खान ने बाकी दिन की जेल में गुजारनी है या इमरान खान ने दोबारा इस मुल्क का तो नंबर वन क्योंकि एक बयानिया बन रहा है कि नवाज शरीफ डील है वही बनेगा वज्रजम तो ये पहला पॉइंट आपने गौर से सुनना है किसी का बाप भी नवाज शरीफ को वजरेजम नहीं बना सकता अपने वोट की ताकत को आप पहचाने जिस तरह नाइनटीन में पाकिस्तान बना था ना वो वोट की ताकत और उसके नतीजे में बना था किसी फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी थी किसी जंगजू कबीले ने लड़ाई नहीं लड़ी थी वो वोट की ताकत से बना था उस वक्त जो आजादी हासिल करने का जज्बा था आजादी मिली या नहीं ये बैस तलब चीज है जो जज्बा था आज आपको उससे ज्यादा जज्बे की जरूरत पड़ने वाली है पॉइंट नंबर दो एक बात पूरी कौम जैन नशीन कर ले हर वो शख्स हर वो इंसान जो इलेक्शन वाले दिन घर बैठा रहेगा या कोई और काम करेगा वोट डालने के अलावा वो अपने हाथों से इमरान खान के डेथ वारंट पे दस्तखत करेगा तो अगर इलेक्शन वाले दिन आपको थकावट हो जाए या आप मायूस हो जाए या आप कहें जी मेरे वोट का कोई फायदा नहीं है आप नहीं जाएंगे वोट डालने तो मतलब है आप अपने हाथ से इमरान खान को फांसी लगा रहे हैं ये याद रखिएगा इमरान खान सिर्फ और सिर्फ आपके आप वोट से बाहर आएगा और पाकिस्तान भी आपके वोट से आजाद होगा तो इलेक्शन वाले दिन घर बैठना खुद पे हराम करार दे दें अपने लिए उसको हराम कर लें कसम खा लें कि हराम होगा मुझ पे उस दिन वोट ना डालना मैं पूरी कोशिश करूंगा बाकी फिर अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है या कुछ नहीं है तो वो आपकी गलती नहीं होगी लेकिन आपने जाना है वोट डालना है पैरा देने वाले भी बहुत होंगे लेकिन डालना लाजमी है वोट और तीसरा और अहम नुकता था कि आपको यह समझ आए कि इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये जो आज जुल्म ढाए जा रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है प्लान क्या था प्लान वन जिसका मैं जिक्र करता था इमरान खान से तीन काम लेके इमरान खान को जलील करके निकालना भी था और जेल में डालना था यह प्लान दो हजार अट्ठारह में तरतीब दिया गया था सत्रह अठारह में जब नवाज शरीफ को नायल किया गया था तो उस टाइम यह प्लान तरतीब दिया गया था तीन क्या चीजें थी सबसे पहले चोरों की ड्राई क्लीन की फैक्ट्री लगनी थी अगर कोई इदारा एन आर ओ देता तो बदनाम होता और आप देख लेंगे भी एन आर ओ दे कितने बदनाम हो रहे हैं तो तरीका ये था एहतसाब का नारा लगाएंगे फिर इमरान खान को फंसाएंगे दबाव डालेंगे और इमरान खान से नैब खत्म करवा के सारे केसेस खत्म करवा के इमरान खान पे ये छाप लगा देंगे कि एन आर ओ तो इमरान खान ने दिया है प्लान नंबर टू क्या था जब कश्मीर पे भारत ने शव खून मारा तो ये इजाजत से किया गया था पाकिस्तान में जो करता धरता है उनकी इजाजत से किया गया था इमरान खान के बाला बाला ये सब हुआ था लेकिन नेक्स्ट स्टेप भी होना था कि उसके बाद मोदी को पाकिस्तान बुलाना था इमरान खान से उसकी मुलाकात करानी थी और तय ही होना था कि अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी और तजारत करते हैं यानी कश्मीर का सौदा करके भारत की खिते में बालादस्ती भी इमरान खान से तस्लीम करवानी थी और तीसरा काम जिस तरह अरब ममालिक्राइल को तस्लीम किया है फाइनली सऊदी अरब ने भी करना था और उसके साथ ही पाकिस्तान ने करना था और यह काम भी इमरान खान से करवाने के बाद इमरान खान के खिलाफ आदम एतम आनी थी इस दौरान सारा बयानिया ये बनना था कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है मोदी का यार है तो मोदी को बुला लिया दूसरा इसराइल को तस्लीम कर लिया और सबसे पहले जो किचोरों को एनआर ओ भी दे दिया यानी इकतदार की खातिर इमरान खान ने डाकुओं को एनआर ओ भी दिया भारत की बाला दस्ती भी तस्लीम की कश्मीर का भी सौदा किया और एंड में इसराइल को भी तस्लीम कर दिया पूरी कौम इमरान खान से नफरत करती इन्होंने इमरान खान को आदम एतम से हटा के और किसी ऐसी तोशा मोशा केस में जेल में डाल देना था और अवाम कहती शुक्र है मुल्क दुश्मन गद्दार गया जेल में और फिर इमरान खान को बाहर नहीं आने देना था इन्होंने किसी को मिलने भी नहीं देना था कि ये तो संगीन गद्दारी का मरतकब हुआ है इसने इसराइल को तस्लीम किया है और बयानिया भी इतना स्ट्रॉग होना था कि अवाम ने खड़ा भी नहीं होना था प्लान ये था मेरे अल्लाह ने इमरान खान को बचाया कि एक भी मनसूबा कामयाब नहीं हुआ आज इमरान खान की जो मकबूलियत है वो तारीख में कम कम किसी को मिली होगी और पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को इतनी मकबूलियत मिली हो जो इमरान खान को मिली है उसकी वजह यह है कि मेरे रब का मनसूबा कुछ और था ये जो दुनियावी खुदा बने बैठे हैं इनके मनसूबे कुछ और थे अल्लाह रबुल्जत ने इमरान खान को बचा लिया तो इमरान खान चारों तरफ से गिरा हुआ था ऐसे समझे कि दांतों में और वो जुबान की तरह था लेकिन मैं फूज रहा उसे लंबे जेल में रखने के लिए जो भी मनसूबे बना रहे हैं वो नाकाम होंगे क्योंकि अवाम निकलेगी सत्तर फीसद से ज्यादा वोट डालेगी ये डब्बे भी तब्दील नहीं कर सकेंगे कैमरे ऑन होंगे आवाम खड़े पैरा दे रहे होंगे वोट पे और आप देखेंगे कि फिर आप जिस दिन वोट डालेंगे अगले दिन इमरान खान से माफी मांग के इन्हें छोड़ना पड़ेगा इमरान खान को और ये होगी आपकी जीत ये होगा आपका हकीकी आजादी की तरफ पहला कदम और उसके बाद पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता तो मेरे पाकिस्तानी अपने वोट की ताकत बचाने का थोड़ा सा ग्वाल मंडेला की तरफ ताजा तरीन इतला ग्वाल मंडेला तक पहुंची हैं कि अस्सी फीसद लोग पंजाब में जी हाँ अस्सी फीसद लोग पंजाब में इमरान खान को वोट देना चाहते हैं ग्वाल मंडेला ने इसके बाद फरमाइशों में इजाफा कर दिया है कुछ मुलाकातें भी मुबैना तौर पर उसकी हुई है कुछ अहम लोगों से और उसकी फरमाइशों में इजाफा हो गया है कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं आई थिंक हरून रशीद साहब के हवाले से किसी ने बात की थी मैंने अभी तक उनका पढ़ा या देखा नहीं है कि मंडेला अब कह रहे हैं मुझे खैबर की भी हुकूमत लेके दो मुझे सिंध की भी हुकूमत लेके दो उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं एक नौकरी देने के बदले मंडेला पूरा पाकिस्तान मांग रहा है अमीरमोम बनना मांग रहा है लेकिन मसला यह है कि मंडेला पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनपॉपुलर बंदा है इस टाइम ऐसा कोई लीडर या बंदा नहीं आया मैं लीडर नहीं कहना चाह रहा था इसको क्योंकि लीडर है नहीं ये गीदड़ है हर तो दफा भाग जाता है थोड़ी सी मुश्किल होती है लीडर तो वो होता है जिस तरह इमरान खान है जेल में बैठा है बच्चे कह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है अपने बाप को कह रहे हैं और रो रहे हैं कि आप छोड़ दें सब कुछ और आ जाए इधर आगे से इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान छोड़ दिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा ये मेरा मकसद है इसको मैंने छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा ऐसे बंदे से मुकाबला इनका कम जरफों का इसलिए इस हद तक जा रहे हैं आपने वो खदीजा शाह का लेटर पढ़ा होगा काफी वायरल हो रहा है कि किस तरह खवतन किन हालात से गुजर रही हैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए कि उनकी अना ये है कि इमरान खान से साहब को तोड़ेंगे क्योंकि तोड़ के ये साबित करना चाहते हैं इमाम को बताना चाहते हैं कि अगर कोई इतना ही बड़ा नजरिया होता तो लोग क्यों छोड़ रहे हैं नज़रिए के लिए तो लोग मार लो भी खाते हैं नजरिए के लिए तो लोग जान भी देते हैं ये साबित करना चाहते हैं लोगों को तोड़ के नजरिया अशिया कोई नहीं है वैसे ही बस पॉपुलरिटी है लोग उसके साथ जुड़ गए हैं थोड़ा सा मारते हैं तो दूसरी तरफ चले जाते हैं लेकिन खातिन ने डट के साबित कर दिया है इनको मैं दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ कि नजरिया वाकई बड़ा तगड़ा होता है और इस बार आपको खातन और नौजवान छठी का दूध ना याद दिला दें तो मुझे कहिएगा बस एक बार मरदाना वार अब मुकाबला कर लें सब लोग तोड़ दें बस इमरान खान को कहें यार बस हर इलाके में गली मोहल्ले के लोगों को टिकट दे दो किसी मेन बंदे को टिकट ना दो फिर भी आपको अगर छट्टी का दूध ना याद आ गया ना तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे वो कबूल होगी लेकिन आप में इतनी मर्दानगी है नहीं आप में इतनी हिम्मत है नहीं कि आप इमरान खान को मौका दें कि वो कम अज कम अपने कैंडिडेट कोई भी हो वो वो इलेक्टेबल्स भी ना हों वो कोई आम से लोग हों वो कला हों कोई भी हो अन नोन लोग हों उनको भी टिकट दे और और आप उनके कागजात नामजदगी मुस्तराद ना करवाएं या उनको थ्रेट ना करें क्योंकि ये आप करेंगे आपने कभी भी बराबरी की सतह पे मुकाबला नहीं किया अब भी आप नहीं करेंगे लेकिन जितना मर्जी जोर लगा लें कौम फैसला कर चुकी है इस कौम का मुस्तबिल ना मरियम है ना नवाज शरीफ है ना शहबाज है ना हमजा है ना जरदारी है ना बिलावल है इस कौम का मुस्तबिल आज अगर इमरान खान है तो कल मुराद सईद जैसा होगा कोई इस कौम का मुस्तबिल वो नहीं है जो आपने सोचा हुआ है इस कौम ने रोशनी की एक किरण देख ली है वो दोबारा तारीखियों को कभी नहीं चुनेगी काजी कितना बड़ा आईनी काजी है एजाद अहसन ने गर्दन से दबोच लिया है सहूलत कारों को और काजी को भी अभी जो तमाम लोगों को गायब करते हैं ना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं एजाद अहसन ये केस लेके चले गए हैं अदालत अब या तो आईनी काजी ये केस सुनेगा और अगर नहीं सुनेगा तो जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं कम अज़ कम उनकी आंखें खुल जाएंगी जो जनवलली समझते हैं कि काजी का ताल्लुक आयन से है काजी का ताल्लुक कानून से है और ये एक डिक्टेटर नहीं है जबकि मेरी राय यही है कि काजी एक डिक्टेटर है और डिक्टेटर्स को पसंद करता है उसका आयन और कानून से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का जमहूरियत से है लेकिन एजाज एहसन साहब ने सब का जिक्र कर दिया है आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी कि शेख रशीद गायब होते हैं वापस आते हैं तो कोई और बात कर रहे होते हैं उस्मान डार गायब होता है वापस आके कोई और बात फरूख अबीब के साथ यही हो रहा है बाकीियों का भी उन्होंने जिक्र किया सदाकत अब्बासी का भी उन्होंने जिक्र किया तो इस तरह के कई और लोगों का उन्होंने जिक्र किया जो गायब होते हैं वापिस आते हैं तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होता है तो इस सिलसिले को भी ख़त्म करने की आजाद अहसन कोशिश कर रहे हैं जो कि एक बहुत ज़बरदस्त काम है क्योंकि ये पाकिस्तान में अगर हो जाता है इस पर अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो यकीन माने कि पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए शायद यही हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम हो जाए तो मैं आजाद अहसन साहब की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अल्लाह पाक अब सब का नासिर हो अब सब सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया